हाय फ्रेंड्स, भाग्यश्री किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल, इजी और टेस्टी पनीर भुर्जी की रेसिपी। पनीर भुर्जी बनाना बहुत ही इजी है और आप इसे इजीली घर पे बना सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले मेरे रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अभी हम पनीर भुर्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन को अच्छे से गरम कर लेना है, उसके बाद इसमें डालना है ऑयल। तो ऑयल गरम होने के बाद सबसे पहले हम डालेंगे राई और जीरा। यहाँ पे मैंने एक चम्मच के करीब राई और जीरा लिया है। तो जीरे को अच्छे से तड़कने देते हैं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज बारीक कट कर लिया है। हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, और गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है। अभी आप देख सकते हैं प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट, और इसे प्याज के साथ एक मिनट तक भूनना है ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हमें इसमें डालना है बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च ली है, और इसको प्याज के साथ एक मिनट तक भून लेना है। उसके बाद हमें इसमें डालना है टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है और उसे बारीक कट कर लिया है, और हमें इसे एक मिनट तक ढक के रखना है ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से पक जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं और ये अच्छे से प्याज के साथ पक चुके हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद डालना है हल्दी पाउडर। यहाँ पे आधा चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसे आपको दो मिनट तक ढक के रखना है। तो अभी आप देख सकते हैं मसालों को अच्छे से तेल छूट चुका है, मतलब मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे मटर। तो यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, आप फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी लास्ट में हमें डालना है पनीर। पनीर को मैंने हाथ से स्मैश कर लिया है, आपको हाथों से ही करना है। तो अभी हम इसमें डालेंगे और सारे मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं पनीर भुर्जी कितनी यम्मी दिख रही है। तो अभी हम लास्ट में इसमें डालेंगे गरम मसाला ताकि हमारी सब्जी को और अच्छे से टेस्ट आ जाए।
और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अभी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ये ऑलरेडी पक चुका है। गैस को बंद कर देना है और उसके बाद इसमें डालना है धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी ये हमारी पनीर भुर्जी रेडी हो चुकी है। तो अभी ये पनीर भुर्जी सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। और इसे गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर धनिया डालते हैं। तो अभी ये आपकी टेस्टी पनीर भुर्जी रेडी है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप पूरी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।